26 दिसंबर 2004 ये वही तारीख थी जब भारत के पूर्वी तट पे समुद्र का बर्ताव अजीबोगरीब लग रहा था। तभी एक 9.3 की तीव्रता वाले भूकंप ने सुनामी को जन्म दिया। एक ऐसा भूकंप जिसकी ताकत 23,000 हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर थी। इसका केंद्र सुमात्रा के पश्चिमी तट के समीप हिंद महासागर में था, जिसने एक के बाद एक कई सुनामी लहरों को जन्म दिया जो 30 मीटर तक ऊंची थी। 14 देशों के कुल 2,27,898 लोगों की मौत हो गई। आज हम देखेंगे कि भूकंप कैसे आते हैं, इसकी तीव्रता को कैसे मापा जाता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए येलो साइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें। भूकंप पृथ्वी के ऊपरी परत की गति से आता है। पृथ्वी की संरचना भीतरी कोर, बाहरी कोर और आवरण से हुई है और इस आवरण के ऊपर भूपरपट्टी की पतली परत बिछी हुई है। भूपरपट्टी कई चट्टानों से बनी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो एक पहेली के टुकड़ों की तरह आवरण पर बिछे हुए हैं। पर पहेली के ये टुकड़े गतिशील हैं और अपना स्थान बदलती रहती हैं। कुछ एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं तो कुछ एक दूसरे से टकरा जाती हैं और कहीं ये एक दूसरे से अलग भी हो जाती हैं। लगभग 90% बड़े और विनाशकारी भूकंप इन प्लेट्स के सीमा रेखा पर ही आते हैं। ये प्लेट्स 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की औसत गति से मूव कर रहे हैं, जो हमारे नाखून बढ़ने की गति के समान है। भूकंप वैज्ञानिक भूकंप से हुए नुकसान और सिस्मोग्राफ की मदद से भूकंप का अध्ययन करते हैं। सिस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों के कारण पृथ्वी की सतह के कंपन को रिकॉर्ड करता है। अगर हम सिस्मोग्राफ की रीडिंग्स को देखें तो इसमें कई टेढ़ी मेढ़ी रेखाएँ होती हैं, पर इसमें से भूकंप कौन सा है? भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में पी वेव और एस वेव शामिल है। सिस्मोग्राफ में होने वाली पहली बड़ी हरकत पी वेव होती है और अगली हरकत एस वेव, जो कि अमूमन पी वेव से बड़ी होती है। पी वेव्स काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती हैं, जिससे हमें पहला झटका महसूस होता है। इसके तुरंत बाद एस वेव हमें झटका देती है। सरफेस वेव से इमारतों और रास्तों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हम अपने बचाव के लिए ऐसी इमारतों का निर्माण कर सकते हैं जो भूकंप से सुरक्षित हो, जैसे नींव में रबर शॉक अब्जॉर्बर्स लगाना जो धरती के कंपन को अवशोषित कर लेते हैं, स्टील के फ्रेम्स जो भूकंप के झटके को आसानी से झेल लेते हैं। ऐसे देश जहां भूकंप आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, वहां हॉस्पिटल्स, आपातकालीन सेवाओं और निवासियों को भूकंप की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे लोग अपनी जान बचा सकते हैं। इससे भूकंप का प्रभाव कम हो जाता है और सर्वाइवल की संभावना भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।